नमस्कार, मैं हूँ बेरोजगार। और इस वक्त यही उम्मीद कर सकते हैं कि यार अपने अपने घरों में सब सुरक्षित होंगे, क्योंकि थर्ड वेव कभी कहते हैं आएगी और कभी कहते हैं नहीं आएगी। वो ऐसे ही हो रही है जैसे मेरी गर्लफ्रेंड, कभी वो कहते हैं मिलने आऊंगी और कभी कहती है नहीं आऊंगी। खैर छोड़ो, जाने तो क्या कर सकते हैं। लेकिन शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मिल गई है बेल, और उनका कहना है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं इनोसेंट हूँ, मेरा एफआईआर तक में नाम नहीं है, मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मैंने कहा अच्छा, बलि का बकरा, चलो खैर क्या कह सकते हैं, ऐसा ही पाकिस्तान भी कहता है। नहीं करूंगा, पाकिस्तान के बारे में बात करूंगा, उन्होंने हरकत कुछ ऐसी करी है, वो करते रहते हैं। तो लेकिन जो अमाउंट था बेल का, वो 50,000 रुपए। अब राज कुंद्रा इनोसेंट है या नहीं ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन जिस तरह से आरोपों की झड़ी लगी थी ना, एक्ट्रेस निकल निकल के आई थी, उससे लगता तो नहीं है जनाब आप इतने शरीफ हैं जितनी आप बातें कर रहे हैं। खैर अपने को क्या है, ये तो आप लोग डिसाइड करना कि है या नहीं। लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं ना, वो कमाल होती हैं। पहले न्यूजीलैंड ने बोला हम तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, भाई साहब आए, खाया पिया, प्रैक्टिस करी, टॉस उछला और बोला नहीं हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ। और अब इंग्लैंड ईसीबी ने भी मना कर दिया है कि हम नहीं खेल सकते। अब आप सोच रहे इसमें क्या कर दिया, तो कर दिया नहीं, बेइज्जती हुई है। वो कह रहे हमें आर्थिक नुकसान हुआ है, तो मैंने सोचा कि आर्थिक, आपको, आपका आर्थिक था भी, मतलब आपकी इकॉनमी तो हाँ। अब इस पे कुछ लोग ज्ञान देने आएंगे अपने देश की, पता भैया पता है, जोक को सीरियसली नहीं लेते, जोक को जोक ही लेते हैं, समझ रहे हो, उनके लिए समझो बात को। तो वहां के एक मंत्री साहब है फवाद चौधरी, और इन्हें किसने कानून मंत्री बनाया मुझे पता नहीं, कह रहे कि हम वकीलों से बात कर रहे हैं, हम इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ ना मोर्चा खोलेंगे, हम इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ये तो वही वाली बात हो गई कि मुंह से नहीं टूटती मूंगफली और डैश से तोड़ने हैं अखरोट। क्या समझने वाले समझ गए मैंने क्या कहा और क्या नहीं। एक और मंत्री है वहां के, गृह मंत्री राकेश शेख, उनका कहना है कि हमने न्यूजीलैंड की सुरक्षा के लिए इतनी सिक्योरिटी दी थी जनाबे अली, जितनी न्यूजीलैंड की पूरी सिक्योरिटी फोर्स मिला के नहीं थी। हमने दुकानें तक बंद करा दी, आर्थिक नुकसान सहा कि क्रिकेट वापस हो जाए। तो जनाब ये तो टेररिज्म फैलाने से पहले सोचना चाहिए ना। अब कह रहे हो कि हमारे 3 दुश्मन हैं, हम गिन गिन के बदला लेंगे, पहले भारत ही था, अब उसमें न्यूजीलैंड भी आ गया, अब इंग्लैंड भी आ गया। अगर पाकिस्तानी सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना, अपने टैलेंट पे, तो आई थिंक आगे चले जाएंगे, लेकिन वो पीछे ही रहते हैं। उनसे कुछ भी पूछो तो वो कहते हैं टी वॉज फैंटेस्टिक। मैंने कहा लंबी हो गई बात, बहुत पुरानी हो गई, छोड़ो कुछ नया बताओ, तो कहते हैं 2017 क्रिकेट की जब बात होती है। मैंने कहा उससे पहले, उसके बाद हैं, समझो उसके बाद भी आपको 2 बार पेला गया है, जब मन करता है पेल देते हैं, फिर भी ऐसी बात। खैर तुम्हारा क्या कहना है इन शेख साहब और इन मंत्री साहब के बयान के बारे में। खुद फवाद चौधरी को मेरा एक फ्रेंड कहता है कि अगर ऐसे मंत्री हैं तो भाई साहब मुझे तो पीएम बना देना चाहिए, नहीं भारत का नहीं बोलता, लौंडा समझदार है। आपका क्या सोचना है कमेंट करके बताना, अपन चलते हैं।